वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेज और मैं हूं विकेश कुमार। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिड्यूस सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो 2022 और 23 में जो सिलेबस रिड्यूस हुए हैं और क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है यही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिड्यूस सिलेबस ऑफ क्लास 10th 2022-2023, ठीक है। आगे ये देख लेते हैं कि कौन कौन यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले आते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या क्या है, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। एलजेब्रा सबसे ज्यादा 20 मार्क्स के आ रहा है, कोऑर्डिनेट 6 मार्क्स के, ज्योमेट्री 15 मार्क्स के, ट्रिगोनोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स हो गए। आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन चैप्टर में क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहला चैप्टर पे आते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर चैप्टर 1.1 नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल नहीं आएगा, यानी बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। 1.2 से क्वेश्चन आएंगे, 1.3 से क्वेश्चन आएंगे, फिर 1.4 से नहीं आएंगे। इसका एग्जाम्पल्स भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये CBSE द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। तो पॉलीनोमियल्स के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। इसके अंदर क्या पढ़ना है, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो यही दो चीजें इसमें बेसिक तौर पे पढ़ना है, यानी 2.1 आएगा और 2.2 आएगा, 2.1 आएगा और 2.2 आएगा, 2.3 और 2.4 नहीं आएगा। देखिए अब बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल 5 भी नहीं आएगा। तो यानी इससे बेसिकली कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, 2.1 एंड 2.2 ही चैप्टर्स आ रहे हैं, सॉरी 2.1 एंड 2.2 ही एक्सरसाइज आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और उसके बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं जैसे बताया गया। तो अब जब हमने इसको देखा तो ये पाया गया कि एक्सरसाइज 3.1 आ रहा है जो कि बेसिक है, ग्राफिकल मेथड है, 3.2 भी आएगा, 3.3 भी आएगा और 3.4 भी आएगा, 3.5 नहीं आएगा। इसका नहीं आने का मेन कारण है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो आ नहीं रहा है। और देखिए 3.6 और 3.7 भी नहीं आएगा कि इसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आएगा भी तो बहुत बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा इस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। हम आते हैं अब इस चैप्टर 4 के ऊपर क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ax2 + bx + c, इससे आने वाला है। यानी आपको डिटरमिनेंट रूल, क्वाड्रिक फॉर्मूला रूल पढ़ना है, रियल है कि नहीं ये इससे फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रिक फॉर्मूला यानी पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ना है, इसमें रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो इसका मतलब 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, 4.3 नहीं आएगा। नहीं आने का मेन कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड जो कि नहीं पूछ रहा है। इसके रिलेटेड एग्जांपल है 7, 8, 9, ये भी नहीं आएगा। अब 4.4 आएगी, ठीक है, 4.4 आएगी। देखिए 4.4 में वर्ड प्रॉब्लम्स है और वर्ड प्रॉब्लम्स कोई जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से ही बना, तो इसलिए 4.4 आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करने हैं और सम ऑफ टर्म्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करने हैं और सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म भी फाइंड करना है, और इसके एप्लीकेशन यानी इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी आएगा। टोटल मिला के इसमें कोई डिडक्शन नहीं किया गया है,
टोटल कंप्लीट चैप्टर्स आ रहा है ये। अब आते हैं इट्स चैप्टर सिक्स के तरफ। चैप्टर सिक्स में देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ट्रेंगल्स की अगर बात करें तो ट्रेंगल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ थ्योरम को हटाया गया है, कुछ थ्योरम को रखा गया है। तो आप डायरेक्ट हम लेके चलते हैं आपको कि कौन कौन सा थ्योरम निकाल दिया गया है यानी कि रिड्यूस किया गया है और कौन कौन से थ्योरम आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थ्योरम्स की बात करें तो 6.1 थ्योरम आएगा, 6.2 थ्योरम आएगा, 6.3 आएगा, 6.4 आएगा, 6.5 आएगा और 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9 ये सब नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी बातें बताई जा रही है ये आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, यानी इस पे जो इस थ्योरम पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज 6.1 भी आएगा, 6.2 भी आएगा, 6.3 भी आएगा, जो इन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है 6.4, 6.5 ये दोनों नहीं आ रहे हैं, यानी ये रिड्यूस किए गए हैं। बात समझ आई? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली दो ही फॉर्मूला होता है, तो इस दोनों फॉर्मूला में आपको जो हटाया गया है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द सेक्शन फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला है, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया गया। कंडीशन क्या है कि इंटरनल डिविजन्स आएंगे और एक्सटर्नल डिविजन्स नहीं आएंगे। कहने का मतलब है कि जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें इंटरनल डिविजन्स भी होते हैं और एक्सटर्नल डिविजन्स भी होते हैं, तो इंटरनल डिविजन्स को आएंगे लेकिन एक्सटर्नल डिविजन्स नहीं आएंगे। इस वजह से जो सेक्शन फॉर्मूला है उस अगर टॉपिक की बात करें, एक चीज और नहीं आ रहा है वो है एरिया ऑफ ट्रेंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल इसमें निकालना था तो जो नहीं आएगा। सेक्शन फॉर्मूला भी आएगा भी और नहीं भी आएगा ऐसा बोल सकते हैं। आएगा कौन सा? जो इंटरनल डिवीजन से, नहीं आएगा जो एक्सटर्नल डिवीजन से। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 7.1, 7.2 ये आएगी और 7.3 नहीं आएगी, शायद इसका एग्जाम्पल भी नहीं आएगा। ठीक है, और 7.4 की बात करें, ये सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंड है, तो इसमें सिर्फ वो क्वेश्चन आएंगे जो इंटरनल डिविजन्स पर बेस्ड हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो पूरे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आएगा, ठीक है, वैल्यू भी फाइंड करना आएगा, रिलेशंस भी आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिटी में सिर्फ बेसिक चीजें आएगी, यानी जो क्वेश्चन इस पे डिपेंड हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस पे डिपेंड हो, यानी कि सिर्फ सिंपल आइडेंटिटी आपको दिए जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 आएगी, एक्सरसाइज 8.3 नहीं आएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 की अगर बात करें, इसमें सिर्फ आइडेंटिटीज है तो इसमें सिर्फ वो सिर्फ सिंपल आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आइडेंटिटी आएंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी नहीं आएंगे, ऐसा सीबीएसई का कहना है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 9, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करें तो इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं किया गया, इसका ये टोटली अगर देखा जाए कि व्हाट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लेंदी है भी नहीं, इसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। उसी तरह चैप्टर 10 के अंदर देखा जाए तो ये टेंजेंट पे डिपेंड है और टेंजेंट में मात्र एक ही थ्योरम चलता है। ठीक है, तो उसमें भी कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। अगर बात कर रहे हैं 11, चैप्टर 11 की कंस्ट्रक्शन, तो ये बिल्कुल ही बोले तो हटा दिया गया है, कंप्लीट रिडक्शन कर दिया गया है इस चैप्टर, तो ये चैप्टर बिल्कुल आएगा ही नहीं। ठीक है,
उसके बाद आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इससे भी कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। ठीक है, अगर बात चैप्टर 13 की करते हैं, ठीक है, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वैल्यूम, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेटली सारे आएंगे। ठीक है, 13.1, 13.2, 13.3 सभी आएंगे, लेकिन 13.4 नहीं आएगा, नहीं इसका एग्जाम्पल आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बताया गया है कि फर्स्ट टर्म्स नहीं आएगा। अगर टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टर्म्स नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 14 की तरफ, एस्टेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर भी कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। बात समझ आ गई? आई होप आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत लेट वीडियोज इसलिए दिया गया है कि आप लास्ट में जब रिविजन्स कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। जनरली हम क्लासेज में, कोचिंग में, ठीक है, स्कूल में, तो हम कंप्लीटली शुरू में ही पढ़ते चले जाते हैं क्योंकि थोड़ा डाउट होते रहता है, चलो भाई पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ ले। लेकिन रिविजन्स के समय मेरे हिसाब से सिर्फ उसी चीज़ों को फोकस करें जो एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें तो नॉलेज के लिए आप पढ़ लिए पूरा चैप्टर। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर किसी तरह की डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सिलेबस क्यूरी या कोई प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा भी हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट इजीली कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।